शौक नहीं है मुझे जज्बातों को यूं सरेआम बताने का, मगर क्या करूं, जरिया बस यही है अब आप सबसे बात करने का। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में साथ दे। हेलो एंड वेलकम टू राबर राशि फाउंडेशन। आज हमारे साथ हैं श्री गौरी सावंत जी, अ मदर, अ राइटर, अ सोशल वर्कर एंड फाउंडर ऑफ आजी का घर, नानी का घर, आजी का घर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए। श्री गौरी सावंत जी इज अ सोशल एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो माँ, आप हमें आजी के घर के बारे में बताइए, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, एंड क्या ये सिचुएशनल था कि आपको शुरू से ही था कि मैं यू नो आई शुड रेज चिल्ड्रन एंड गॉड हैज गिवन यू अ चांस? ओवर टू यू। जैसे मैं आपने कहा कि ट्रांसजेंडर मदर, ये थोड़ा लोगों को डाइजेस्ट होने के लिए एक तकलीफ होता है। ट्रांसजेंडर भी है और मदर भी है, मतलब बिना यूट्रस की माँ कैसे बनी, सरोगेसी मदर है क्या है, बहुत सारे सवाल आते होंगे। तो अगर आपको पता होगा कि जैसे गायत्री मेरी जिंदगी में एक तूफान की तरह आई, और उस तूफान से संभलते संभलते मैंने बोला व्हाई नॉट, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम करती हूँ, ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करती हूँ, सेक्स वर्कर महिलाओं के साथ काम करती हूँ, और जब मैंने देखा, नजदीक से देखा, जो महिला सेक्स वर्कर है वो एम्पावर होती है, वो ग्राहक के साथ निगोशिएशन करती है, पर जब उसके बच्चों के बारे में से सवाल आता है वो किसी से बात नहीं करता, और ये बहुत दुखद है। और जब मेरे गायत्री को जब मैं बड़ी करी थी, तब मुझे लगा क्यों नहीं, गौरी आप लोग वर्किंग वुमन है, आपके बच्चे बेबी सिटिंग में रख देते हैं, डे केयर सेंटर में रख देते हो, पर मेरी औरतें कहाँ रखेंगी। और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि एक बार मैंने जब एक औरत को मिली, वो सेक्स वर्क कर रही थी और उसके बाजू में उसका 6 महीने का बच्चा रखा था। एक माँ बच्चे को बाजू में रख के सेक्स वर्क कर रही है, आप सोचो, तारीफ करने की कोई बात नहीं है। कोई बैंक में अगर माँ बच्चे को लेके कलेक्टर भाषण देती है, पूरी दुनिया उसकी वाहवाह करेगी, पर क्या कोई उसकी वाहवाह करेगा कि एक माँ सेक्स वर्क कर रही है, बच्चे को बाजू में सुला रही है, क्या उसका भविष्य होगा? ये सब चीजों ने मुझे झिंझोड़ दिया था। और उस वक्त ही मुझे दिमाग में आया कि नहीं गौरी, मुझे कुछ ना कुछ करना है, शायद इसलिए भगवान ने मुझे ये रूप दिया होगा, आधी औरत और आधा आदमी, क्यों नहीं। और जब मैंने वो बच्चे को उठाया था ना, राशि में तो मैं सच्ची कहती हूँ, आई एम डिवोटी ऑफ साई बाबा, उसमें जो मुझे अपनापन लगा ना, वो जिंदगी में किसी में नहीं लगा। उसका क्राई पॉटर का, सुसु का सब बास मैंने इनहेल किया विक्स की तरह, एंड आई वॉज एंजॉइंग। तभी मैंने सोचा क्यों नहीं, और उस वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आजी का घर, क्योंकि मेरे घर में मेरी गुरु है जो 70-75 साल की है, शी इज अ साउथ इंडियन तमिलियन ब्राह्मण, शी कुक फॉर मी, तो क्यों नहीं। और हम लोगों को हमेशा बच्चे पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आजी का घर, वो ये आया क्योंकि मेरी गुरु जिंदगी भर, वो कहते ना कि मदरहुड के लिए तरसी है, मातृत्व के लिए तरसे हम लोग है, और हमारे जैसे सुरक्षित जगह बच्चे कहाँ होंगे, आप बताइए। पेरेंटिंग के बारे में जब बात करते हैं, हमको शायद बच्चे नहीं हो सकते, पर उस खुशी से हम दूर भी तो नहीं रह सकते ना, इसलिए आजी का घर। ये तो बहुत ही वंडरफुल बात आपने बताई है कि अपने आप को वंचित क्यों रखें हम किसी भी अच्छी फीलिंग से। तो माँ, बताओ कि हाउ आर यू ब्रिंगिंग देम अप, एंड क्या चैलेंजेस आपको फाइट करने पड़ रहे हैं अभी, स्पेशली कोविड में, उनके न्यूट्रिशन या कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है? नहीं, प्रॉब्लम जिस दिन से मैंने गायत्री को लिया, लोगों के साथ देखो, सब लोगों का नजरिया नहीं ये होता कि अरे ट्रांसजेंडर एक जब बच्ची को लेकर घूमता है तो उनको लगता है ये बच्चा चुरा के लाया क्या, ये बच्ची को बेचेगा क्या, ये बच्ची से गलत काम करवाएगा क्या। लोगों के दिमाग में, जहन में ये नहीं आता कि ये शायद इसकी माँ होगी या इसकी केयर टेकर होगी, इसके लिए बहुत टाइम जाएगा, सब में से सब नजरें अच्छे नहीं होती। और जब मैं बच्ची को लेके करती तो उसी से मेरा स्टार्ट होता है जर्नी कि मुझे 10 लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। बीमारियां आएगी कि लोगों को अपना मुंह ढकना पड़ेगा, एक दूसरे से छूना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो कहते हैं छूने से प्यार बढ़ता है, पर छूने से बीमारी फैलती है, मैंने अभी देखा। हम मुंह पे ढक के, मतलब हंसना भी है तो मुंह के अंदर ढकना है, थोड़ा तकलीफ है बहुत, मतलब थोड़ा, मतलब कोविड के जैसे बच्चे है, इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। मेरे जो छोटे छोटे जो ट्रांसजेंडर बेबी है, उनके माँ बाप ने उनको बहुत छोटी उम्र में दिया है, तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, तो इनको वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस आम बच्चों से ज्यादा होता है।
तो मेरे बच्चे खेल नहीं सकते, स्कूल्स वैसे भी बंद है तो जा नहीं सकते। थोड़ा शुरू शुरू में ऐसा लगा कि यार एक दो दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। स्टोरिंग करना भी हमने कभी सीखा नहीं था। लैक्टोजन लाना है, मेडिकल में जाओ, चार नंबर का लैक्टोजन लो, क्योंकि मुझे अभी मेरी बच्ची लैक्टोजन ही पीती है। चार नंबर का लैक्टोजन लो, जॉनसन पाउडर लो, हिमालय का ट्यूब लो, हगीज का बड़ा सा पैकेट लो। पर मेडिकल जब बंद हो गया, रात को मेरी बच्ची को लैक्टोजन के बगैर मैं दूध दे दूंगी गाय का, तो उसे लूज मोशन हो जाएंगे। वो रात मैंने कैसे निकालोगी, आप समझने की कोशिश। कोविड ने सबके चूल्हे बंद कर दिए, हमारा तो हाथ पे ही पेट है, हम कोई वर्किंग नहीं है। मैं कॉर्पोरेट्स में जाऊंगी, सीबीओस में जाऊंगी, बोलूंगी तो जो मिलेगा उसी से तो मैं फंड रेज करूंगी। वी आर द ऑल अ पेड सोशल वर्कर्स, और इसका परिणाम मेरे काम पे ऐसा हो कि मैं अभी बच्चों को रेज करते मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही है। क्या कर सकते, वैश्विक तकलीफ है, हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा। और खुद से ज्यादा वो जो मुर्गी होती ना, जब बारिश होती है सब बच्चों को अपने पंख के नीचे ले लेती है, वैसे ही माँ को करना पड़ेगा। कोविड से तकलीफ तो बहुत, हम सब अपनी मुश्किलों को सबसे बड़ा समझते हैं माँ, लेकिन जब हम सुनते हैं ना किसी की स्टोरी तो हमको लगता है कि हमें फिर भी टेबल पे खाना तो मिल रहा है। कहते वसुदेवम कुटुंबकम, एक चीटी भी विश्व का हमारा है, हमको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज वी आर द आंसरेबल, खुद को आंसरेबल है। इफ वी बिलीव इन गॉड, वी आर आंसरेबल टू गॉड। व्हाट आर वी गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी? सोसाइटी हमें कुछ नहीं देगी। जाते वक्त तो सभी की तारीफ होती है, चाहे जिंदगी भर कोई किसी के ये पीठ नहीं थपथपाएगा। पर इफ वी वंस वी नो कि दिस व्हाट वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, वंस यू रियलाइज, और जब दूसरे का पेन तुम समझोगी, उस दौरान से तुम गई हो। मुझे आज भी वो किस्सा याद है, मैं मेरे जो बहन के घर गई थी और उसने मुझे दरवाजे में पूछा खाना चाहिए क्या। दोपहर का वक्त था, आई वॉज हंग्री, सामने से ये सवाल है खाना खाएगी क्या, मैंने कहा नहीं। इमेजिन, उस वक्त मैंने सीख लिया था झूठ बोलना। भूख क्या होती, उस दिन मैं किसी के चौकट से वापस आई थी, उस दिन मैंने गौरी ने तय किया मेरे दरवाजे से रात को भी 2 बजे कोई आएगा बाहर भूखा नहीं जाएगा, चावल रोटी तो खा के जाएगा। ये जब तुम समझोगे किसी की, जब खुद पे बीतेगी तो दूसरे को समझने को तकलीफ नहीं होगी। पर ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कसूर है इनका? सेक्स वर्कर्स, उनको बाकी के बच्चे अपना पिताजी का नाम बताते, मेरे बच्चे अपने मम्मी का नाम बताते, मम्मी का नाम क्या है, रोजी गुलाबो, उन्हें कहां से पता होगा। वो सिंगल पेरेंटिंग है, आप लोगों के चोचले है मदरहुड सिंगल पेरेंटिंग, ये तो सिंगल पेरेंटिंग सक्षमीकरण उनका ही है ना, वो औरतों का। आपके बच्चे सेरेक्स फेरेक्स पीते हैं, आपके बच्चे अच्छे अच्छे टॉयज से खेलते हैं। आपको पता है राशि, मेरे बच्चे को उनकी माँ कॉन्डम फुला के गुब्बारा बना के देती है। कैन यू इमेजिन, खेल तो खेली है फिर भी मेरे बच्चे हेल्दी दिखते हैं, उनके चेहरे पे वो ग्लो होता है जिनको डी विटामिन की कमजोरी नहीं होती है, क्योंकि उनके साथ उनकी माँ का प्यार है। दिस इज एब्सोल्युटली टचिंग माँ, जैसे आपने बताया, और ये कुछ सच्चाइयां और रियलिटीज है लाइफ की जो शायद आम आदमी नहीं देखना पसंद भी नहीं करते होंगे शायद बहुत से लोग। तो माँ, जैसे बचपन से आप जैसे एक फैमिली में आए, फिर आप घर से निकल गए, जैसे हमने आपके पहले के वीडियोस देखे हैं, तो इन बच्चों के मॉरल्स और बिहेवियरल कॉग्निटिव पैटर्न्स के लिए आप क्या सोर्सेज लेते हो? मतलब स्कूल तो जाते हैं, जाते होंगे बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हमारी गवर्नमेंट स्कूल में जा रही है, पर इतना, जैसे मैंने कहा कि आपके बच्चों की तरह उनकी परवरिश नहीं होती। मेरे जो बच्चे जिस सराउंडिंग एरिया में है वहां पे गाली देना कोई नॉर्मल बात है, आप समझने की कोशिश करो। उनको सर्वाइव करना, उनकी माँ उनको बोल देती कि बेटा तुझे किसी ने ए बोला तो तुझे बी बोलना ही बोलना है। उनको पकड़ के लाके आपको ये सो कॉल सोसाइटी के ढांचे में ढालना है, उनको स्ट्रांग करना है और अच्छा इंसान बना के प्रेजेंट करना है। किसके लिए? जो सोसाइटी उनसे नफरत करती, उनको बैक वही सोसाइटी में मुझे भेजना है। आई ऑलवेज से ये मैथमेटिक का एक फंडा है, माइनस माइनस इज प्लस। लोगों को सेक्स वर्कर औरतें नहीं चाहिए, लोगों को ट्रांसजेंडर नहीं चाहिए, बोता माइनस माइनस। और जब हम लोग एक हो गए तो वी आर द प्लस, और इसी का मतलब तो हमारे बच्चे है ना। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा बच्चा भले 1 2 3, मेरी एक छोटी बच्ची है उसको बोला कि 1 2 3 4 बोलता हूँ, 1 2 3 4 8 9 5, मुझे खुशी होती है, बोलते रही है, सीख तो रही है। जो बच्चे कल तक यूनिफॉर्म पहनने को तैयार नहीं थे, वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने के बाद क्यूट ही दिखते, और तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा एक ही रंग में रंग जाता है फिर, क्योंकि हमें उनको सक्षम करना है, उनको उनके पैरों पर खड़ा होना है। पेरेंटिंग का मतलब यही है, मेरी जिम्मेदारी कोई भी हो,
आज कोई भी दुनिया में अनाथ नहीं होना चाहता, उनकी परिस्थिति से वो वैसे है, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्या हम ये बोल सकते कि सेक्स वर्क औरतों ने बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए? वो उनका मॉरल हक है, हम किसी को नहीं बोल सकते। विवादित बयान बहुत सारे हो सकते हैं, पर इनमें मेरे बच्चे क्या करेंगे? एक बच्चा सुरक्षित अगर रहेगा वो खिलेगा, लड़की अगर पढ़ती है खिलेगी, और जब वो आगे जाके देखे कि मेरी माँ सेक्स वर्क में, पर मैं सेक्स वर्क में नहीं हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगी, उस दिन मैं जीत जाऊंगी राशि। अब वो करना है। माँ कोई और आपका साथ देना दे, मैं और मेरा फाउंडेशन और मेरी फैमिली आपका साथ हमेशा देगी बच्चों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। एंड आई एम श्योर बहुत सी फैमिलीज को पता होगा जिन्होंने भी हमें इस कैंपेन में अभी सपोर्ट किया है, उन सबकी ब्लेसिंग्स हैं बच्चों के लिए और आपके लिए। अच्छा माँ बताइए, आप अपने कोई हैप्पी मोमेंट्स शेयर करिए कि आप इनके बर्थडे कैसे मनाते हो या आप इनके साथ क्या खेलते हो, आप थोड़ा शेयर करिए। हाँ, हैप्पी मोमेंट्स तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि मेरी छोटी बच्ची है जो 3 दिन की थी, शी वॉज अ ट्रांसजेंडर, और उनके मम्मी डैडी को जब मैं मिलने गई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको मार डालेंगे इंजेक्शन देके, क्योंकि वो डॉक्टर को पूछ रहे थे कि उसका जेनेटल चेंज कर सकते हैं क्या। तो डॉक्टर ने जब मुझे कहा तो मैंने कहा कि 18 साल तक मार कानून है कि 18 साल तक बच्चे का तुम लोग जेंडर चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग बहुत रिच है, हमारी फैमिली में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आप ले लो। एंड दे गिव अस टू अस। 3 दिन की बच्ची जब हमारे पास आती है और हम उसको ख्याल करते हैं, मम्मी डैडी कभी बीच में आके देख के दूर से चले जाते हैं, वो हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते। माँ रो रही थी और उसके पिताजी ने कहा चल चल जल्दी चल, लेट हो रहा है, 3 दिन का बच्चा कोई किसी को दे रहा, बोला जल्दी चल लेट हो रहा है, इसका मतलब आप समझो कि क्या। उस बच्चे को देख के मुझे लगा, अरे बाबू तू और मैं एक ही कश्ती में है, मुझे पैदा करने वाले आज भी मुझे लेने को तैयार नहीं है, तूने तो सिर्फ 3 दिन की दुनिया देखी है, हमें कोई नहीं लेता। आज हम जेंडर इक्वालिटी के, लोगों को ट्रांसजेंडर क्यों नहीं चाहिए पता है, उसमें उसकी क्या गलती है, वो इंटरसेक्स बेबी है। सब लड़ाई कोर्ट जाके जो मैं जीत के आई हूं ना, इतनी आसान नहीं है, आपकी मानसिकता बदलना जरूरी है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर लीगल है, उनको राइट्स मिलना चाहिए, पर पेरेंट्स ही अगर उनको नहीं अपनाएंगे तो सोसाइटी तो बाद में आती है ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। पर जिस दिन मेरी बच्ची मुझे माँ बोली, आई बोली, वो मेरे लिए था। और एक दिन मैंने हंसते हंसते उसको देखा, उसको छोटा सा दांत आया था, तो मुझे लगा चावल का दाना अटका होगा, तो मैंने उसके मुंह में हाथ देखा कि स्वच्छ कर, तो देखा तो उसको दांत आया, मैं दिन भर उसका दांत देख रही थी, क्रैबिट की तरह दांत आया। बच्चे मुझे रोज नए तरीके से जिंदगी सिखा रहे, एक हर एक बच्चे की अलग स्टोरी है। मेरी हमारी मतलब एक माँ है, उसके पिताजी ने उसे भेज दिया था सेक्स वर्क के लिए, तो वो वापस नहीं जाती है, पर हर महीने को अपने पिताजी को मनी ऑर्डर भेजती, कैन यू बिलीव। और जब उससे बात किया तो उसने बोला कि मैं 11 साल की थी, पहली बार मेरे पिताजी ने मेरा शोषण किया, और अब मेरे पिताजी बोल रहे कि बेटा तू वापस गांव जा तेरी लड़की को लेके। बोली माँ मैं कैसे जाऊंगी लड़की को लेके, मेरे बाप ने मेरा शोषण किया, मेरी 10 साल की बच्ची को लेके मैं कैसे जाऊंगी। मैं बोली तू चली जा, बच्ची मेरे पास रहेगी। वो विश्वास होता है, ये कोई खिलौना नहीं कि किसी के पास देके तुम चले जाओ, एक बच्चे है, सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए विश्वास है वो आजी का घर, नानी का घर। हम भी चिल्लाते हैं बच्चों को, जैसे तुम्हारी माँ मेरी माँ हमको चिल्लाती थी वैसे चिल्लाते हैं, पर 10 मिनट बच्चे बच्चे देखते हैं ना तो बोलते कि नहीं चल आ जा। मुझे पता है कि बच्चों को आयरन आयोडीन की सब खाना जरूरी है, उल्टा पुल्टा करके कैसा भी मेथी की भाजी जाना ही जरूरी है, हरी सब्जियां खाना जरूरी है, तो मैं देखूंगी। दूध पीना जरूरी है मेरे बच्चों ने, आधा दूध पिया तो बड़ी आंखें करके दिखाऊंगी, तो फट करके पी लेंगे, मैं सही पूछा है। और मैं तुम्हें एक पूछती हूँ राशि, खुशी का मतलब क्या है? एक छोटी सी जिंदगी है, ये कोविड ने हमें बता दिया, लोग किस तरीके से मर रहे पॉलिथीन में डाल के लोग फेंक के जा रहे, अपने छूने को तैयार नहीं है, फिर भी हम समझेंगे नहीं। वन लाइफ मिली है, डू समथिंग, यू नो व्हेन एवर यू विल गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू शुड बी हैप्पी। वो कहते हैं ना, जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के यू ना देखिए, उस तरीके से ये जिंदगी है, यू हैव टू मेक ईच एंड एवरीवन हैप्पी। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सरल बातें हैं आपकी माँ। जैसे इनके बर्थडेज आते हैं एंड तो यू मेक इट अ पॉइंट कि आप सबके बर्थडेज सेलिब्रेट करो घर पर। हाँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है नहीं, अगर किसी का रहेगा तो कैसा होता है ना, छोटे बच्चे को सबको केक काटना पड़ता है, तो एक ही बार लेके आओ छोटे छोटे आधा आधा किलो के 4 केक, सबको काटने को सबको छुरी दे दो, एक ही दिन में सभी का बर्थडे होता है। कोई फेस्टिवल है, पटाखे है, दिवाली है, वैसे तो मेरे को क्रैकर से थोड़ा डर लगता है बच्चों के लिए, दूर से दिखाती हूँ, पर वी एंजॉय, क्योंकि खुशी का मतलब ही उनको एंजॉय करना है ना।
और इसमें इन बच्चों की कोई गलती ही नहीं है माँ, मतलब इनको तो पता ही नहीं है। नहीं, और देखो अगर हम लोग अगर उनको इस तरीके से परवरिश करेंगे ना, उनको पैरों पे उनके खड़ा करना बहुत जरूरी है, सर्वाइवर ऑफ लाइफ इन द सोसाइटी, क्योंकि लोग ऐसे भी बोलेंगे, लोग वैसे भी बोलेंगे। औरत ने बिंदी नहीं लगाई तो पूछेंगे, लगाई तो पूछेंगे, आदमी के साथ रहा तो पूछेंगे। तो बच्चों को हमने ये कहते हैं कि देखो आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है, अगर आप पढ़ोगे तब कुछ भी कर सकते हो। अभी फिलहाल उम्र के 18 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई पे ध्यान देना है, आप और कोई सोचना नहीं, जो भी सोचेगी माँ सोचेगी, मैं कहीं से भी कैसा भी कुछ भी करके तुम्हें कर दूंगी, तुम्हें सिर्फ अभी पढ़ाई करके मेरे बच्चे पास होना है, फेल नहीं होना है। पास हो गए तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, होता है ना, थोड़ी लालच बुरी बला है, मैं ऐसी हूँ थोड़ी सी। But this is the first rule of parenting. Be a good cop and a bad cop. So, माँ ये बताइए कि transgender community के welfare के लिए आपके और future plans क्या हैं? Because 2014, I am the first person who filed the petition in the Supreme Court under the NALSA, and then we win. The win means it was on the paper only. Then जीतने के बाद आगे क्या? जैसे तुम्हारा महिला आयोग है, वैसा ट्रांसजेंडर आयोग होना बहुत जरूरी है। वुमेनल चाइल्ड डिपार्टमेंट है, वैसे हमने मांग की कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड होना बहुत जरूरी है। चेन्नई में, मतलब मेरे ख्याल से हाँ, तमिलनाडु में फर्स्ट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हो रहा है, मैं उस गवर्निंग बॉडी में हूँ। और हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों को, जैसे मैंने कहा कि 18 साल के छोटे बच्चे की सर्जरी पेरेंट्स ना करें, उनको स्कूल में एडमिशन होना बहुत जरूरी है। फॉस्टर केयर के बारे में मेरा कोई ख्याल है नहीं अभी तक, पर अगर बच्चे के माँ बाप अगर सक्षम होकर उनको संभालेंगे तो सोसाइटी में और जाके लड़ाई करने की जरूरत नहीं होगी, है ना, कि जो भी बच्चा तुम्हारा है अगर माँ बाप ट्रांसजेंडर बच्चे को अपनाएंगे, जिस वक्त माँ बाप साथ में रहेंगे सोसाइटी को साथ रहना ही पड़ेगा। और अगर नहीं है तो एजुकेशन उन्हें दे दो ताकि वो खुद के पैरों में सक्षम हो, और एजुकेशन के बाद एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है। सी ट्रांसजेंडर स्किल, अगर आप देखोगे उनका कल्चर है, जैसे आप में साधु होता है वैसे हमारा जीवन है, हम भी हमारा घर बार छोड़ के सन्यासी की तरह अपने गुरु के साथ रहते। मेरे पिताजी आज भी मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, पर जब मैं घर छोड़ के आई थी तो वही इंसान ने मुझे संभाला, वो मेरे लिए आज मेरे माँ बाप है। मेरी गुरु तमिलियन है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, बहुत अलग अलग सोच है, सिर्फ एक ही डोर हम दोनों के बीच की ट्रांसजेंडर्स, कवे का बच्चा कवे को प्यारा होता है, शी लव्स मी। तो अगर हमारा एम्पावरमेंट होगा, ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन मिलेगी और इक्वालिटी सब जगह पे उनको मिलेगा, तो मेरे ख्याल से भारत का चित्र बदलेगा। और ये नहीं बदलोगे तो ये सब नुकसान आपको ही होगा, जैसे समुद्र में आप प्लास्टिक डालोगे और पर्यावरण है, किसी दिन समुद्र बाहर फेंक देता है, तो अगर आप ट्रांसजेंडर्स को नहीं लोगे, ये समाज है, क्योंकि जब हम ताली बजाते आपको शायद बुरा लग रहा होगा, पर ताली के पीछे का आक्रोश भी आप समझने की कोशिश की, ये अपनों ने दिया हुआ दर्द है। लाल बत्ती पे चौराहे पे जब भी खड़ा रहता है, कभी कोई पूछता नहीं, अरे कमला तूने खाना खाया क्या, प्यार से बात तो करके देखो। पीपल डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ अस, इतनी नफरत कहाँ से, क्यों? एक बंदा अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहता है, इसके लिए हम कलर्स क्यों नहीं किसी की जिंदगी में भर सकते? ट्रांसजेंडर्स आर वंडरफुल पीपल, यू शुड हैव टू हैव 10 औरतें अगर फ्रेंड है तो एक ट्रांसजेंडर फ्रेंड रख के देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वो आपको बताएगी अरे ऐसे मत कपड़ा, एक जिंदगी में खुशी का एक होना, गुलदस्ता तभी तो सजेगा, व्हाई नॉट? एंड नो वन कैन से, बिकॉज सेक्सुअलिटी इज नॉट स्ट्रेट, यू कांट से दैट, इट इज अ फ्लूट, विकृति एवं प्रकृति हम जब बोलते हैं, निसर्ग देते वक्त लैंगिकता एक ढांचे में बंधी हुई नहीं, जब वह आप समझ, कृष्ण को हम देखते तो उसे क्या कहते, पूर्ण पुरुष कहते, वो कृष्ण को आपने दाढ़ी क्यों नहीं बताई, वो कितना प्यारा सा क्यों बताया, इसलिए कहते हैं ना विकृति एवं प्रकृति। तो अगर हम हिस्सा है तो आप हमसे मुंह क्यों मोड़ रहे हो? 21वीं सदी में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड यही काम कर रहा है कि यू नो मेन स्ट्रीम में ट्रांसजेंडर्स को लाए, हमारा कल्चर हमेशा जिंदा रहेगा, बट एम्पावरमेंट होना, एजुकेशन होना, क्यों नहीं कोई ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन सकता है, क्यों नहीं पुलिस ऑफिसर बन सकता है, हर क्षेत्र में अभी महिला पायलट बन सकती, तो क्यों कोई गौरी हवाई जहाज नहीं चला सकती? मैं भी तो आपके जैसी हूं, जेंडर इज नॉट योर, इट्स योर, एंड ओपन योर आईज, बॉक्सेस के बाहर निकलो। दिस इज वंडरफुल व्हाट यू जस्ट सेड, कि एक्चुअली हमारे जो बॉक्सेस हैं, हम उन्हीं बॉक्सेस में और बॉक्सेस बनाते रहते हैं और उन्हीं बॉक्सेस में ही रहते रहते हैं सारी उम्र। माँ एक बात बताइए, एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया कि लोग
जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं या सुनना नहीं चाहते, सुनकर इग्नोर कर देते हैं, तो वो जो एक हेट्रेड एब्जॉर्ब करने की फीलिंग होती है वो ही समझ सकता है जिसने फीलिंग वो ली होगी कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा। तो उस चीज में अंदर जो गुस्सा आता है वो तो चलो हम किसी एक्शन से बता देते हैं, बट हाउ डू यू क्लीन, वो स्ट्रेस को आप क्लीन कैसे करते हो? मैंने आपने कभी सर्कस देखी? अभी तो सर्कस के ऊपर बैंड है, छोटे थी तब आपने कभी सर्कस देखी है? उसमें आपने एक जोकर को देखा, जोकर एक कैरेक्टर हुआ करता था और एक बड़ी सी बैट लेके उसके बम पे मारा करता था दूसरा जोकर, देखा होगा ना, और पब्लिक हंसती है उससे। से मैं शायद मुझे कनेक्ट कर दूं, मेरा ये चेहरा लाल करना, अजीबोगरीब ढंग के कपड़े पहनना, और आपने जो मेरे बम पे बैट मार रहे फिर भी मैं हंसते रहूं, दर्द किसने दिया है? माँ बाप, जैसे मैंने पहले कहा समाज का मतलब कौन होता है? पहला समाज होता है माँ बाप, जिन्होंने ही मुझे अपनाया नहीं, फिर मैं आपके आके गले लगूंगी क्यों? अगर वही छोटा ट्रांसजेंडर को उनके माँ बाप उनके साथ खड़े रहेंगे तो दुनिया उनको अपनाएगी ही अपनाएगी, वाई नॉट? ये आक्रोश को आप समझने की कोशिश करो। किसी छोटे बच्चे को आप चॉकलेट दोगे और वो खाने लगे तुरंत खींच लोगे तो क्या वो खुश हंसेगा? वो रोएगा। और जिंदगी हमारे साथ वही करती है, एक जर्नी पे निकले औरत बनने के लिए, शायद हम बने नहीं बने वो बात की बात, पर इसमें आप कांटे क्यों बिछा रहे हो? Why people don't want? और एक सादा उदाहरण देती हूँ राशि, जो बचपन से हैंडीकैप होते हैं ना वो देखो पैर से वगैरह लिखते हैं, उनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, पर कल को अगर मेरे एक्सीडेंट होके मेरे हाथ टूटेंगे क्या आपको लगता है मैं पैरों से लिख पाऊंगी? तो हैंडीकैप का मतलब कौन मुझे बताएगा? वी नेवर नो व्हाट हैज लाइफ हैज रिटन फॉर अस। जो बॉर्न हैंडीकैप है वो पैर से लिख देता है, कल को इंस्टेंट मेरा हाथ टूट गया मैं जिंदगी भर लिख नहीं पाऊंगी, क्या मैं पैर के लिखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहूंगी? रोज मेरे ब्रेड एंड बटर के लिए आई हैव टू बी ऑन द सिग्नल, आई वांट टू बी ऑन द सेक्स वर्कर साइट, इतना आसान है? फिर आप मुझे पूछते आप लोग तंग क्यों करते हो लोगों को, सोसाइटी डोंट वांट टू लव यू। इतनी नफरत सोसाइटी ने ही हमको दी है, हमें भी तो जीना ही है ना। मैं भी तो किसी को बोलती अरे करिश्मा कपूर लग रही हो, अरे पूरा गोविंदा लग रहा है, मेरा सिर्फ उनके जेब के 10 रुपए पे मतलब होता है, क्योंकि लाल बत्ती चालू हो जाएगी वो बंदा चला जाएगा और आप खुश हो जाते हो आपको हीरो बोलने के बाद, पर आप मुझे हीरोइन नहीं बोलोगे, दिस इज अ लाइफ, बट नाउ इट विल चेंज। एवरी टाइम वो दुख 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 कब तक रहोगे? वेलफेयर बोर्ड आया है, आज कितने सारे ट्रांसजेंडर पढ़ के कोई चेन्नई में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बन गई है कोई एडवोकेट बन गया है, मेरी एक चेला है वो एनेस्थेशिया की डॉक्टर है, तो इट विल टेक टाइम, बट टाइम वी हैव चेंज नाउ। मैंने जिंदगी में 4 बार ब्लड डोनेट किया है, एम है बिकॉज सी ट्रांसजेंडर्स को आप जब समझोगे एंटायर कम्युनिटी को, प्यार के अलावा आप कुछ नहीं दे सकते किसी को। माँ एक्सेप्टेंस की बात आप कर रहे हो, यहाँ पे जो जिनको हम नॉर्मल बोलते हैं या जिनको हम मेल फीमेल बोलते हैं वहां पे भी एक्सेप्टेंस की बड़ी दिक्कत है लाइफ में, बिकॉज एक्सेप्टेंस आई थिंक इंसान का माइंडसेट होता है कि किसी भी चीज को कैसे एक्सेप्ट करना है। लोग बहुओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सन्स को नहीं कर पाते हैं, डिसीजंस को नहीं कर पाते हैं, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर आवर सोसाइटी। अच्छा माँ, आज ही का घर, नानी का घर, बड़ा ही प्यारा नाम है, इसके लिए क्या एक स्पेशल मैसेज आप पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, इनको देना चाहते हैं? सी पॉलिसी मेकर्स को तो मैं बोलने के लिए बहुत छोटी हूँ, जुगनू क्या सूरज को आईना दिखाएगा? आई ऑलवेज से मैं जुगनू और मैं सूरज को आईना नहीं दिखा सकती हूँ। पॉलिसी मेकर्स ने सेक्स वर्कर्स को औरतों को लीगलाइज कर दे ताकि वो औरतें अपने बच्चों को अपना नाम दे सके, महिला सक्षमीकरण तभी होगा, और आज की घर की जरूरत भविष्य में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेक्स वर्कर्स के बच्चों को अगर उनकी माँ का या बाप का नाम मिले और बच्चे सुरक्षित रहे। पर फिलहाल अगर अभी आज की तारीख में आज की घर की जरूरत है तो मैं यही कहना पसंद करूंगी, मतलब यही कहूंगी कि कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी फूल फूल होता है तो बदसूरत नहीं होता, और उनके लिए एक सेफ जगह जहां पे हो बच्चों के लिए वो है नानी का घर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खुद का नहीं है और ये मुझे मिला है। कृष्ण को जैसे दो दो माँ थी, मेरे बच्चे मुझे भी माँ बोलते हैं, मुझे अम्मा बुलाते हैं, उनकी माँ को भी माँ बोलते हैं, उनकी माँ बोलती है अम्मा के पास जाएगी ना, तो बोलते हाँ, आईने चिल्लाया, तो बोले हाँ चिल्लाया,
क्योंकि हमारे पास वो हेल्थ कैंप होते हैं कभी कभी, कोई वॉलेंटियर डॉक्टर्स आते हैं हेल्थ चेकअप करने के लिए। अभी जैसे पोलियो का डोज देना है, कोई के बच्चे नहीं बोलते लेने के लिए, तो थोड़ा चिल्लाना पड़ता है जब माँ ने इंजेक्शन दिलवाई ना ऐसे। तो अजी का घर ऐसी जगह है जहाँ पे बच्ची सेफ एनवायरमेंट में रहेगी, और भविष्य में आई यूज दिस वर्ड, भविष्य में मेरी कोई भी बच्ची सेक्स वर्क में नहीं जाएगी, ना फोर्सफुली ना विलिंगली। वही मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकती हूँ, दैट इज अ मीनिंग ऑफ अजी सेक्टर। That's wonderful and a great promise to be made by you, ma'am. हम अपने जितने भी हमारे जो followers हैं, हमारे supporters हैं, हम उन सबको ये request करते हैं, if you want to celebrate your happy moments, your birthdays, your anniversaries, please come and share all those moments with these kids. They are open for love and they want some love. थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नहीं लगेगी जिंदगी, जिंदगी ही तो है। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू, एंड हम अपने सारे फॉलोअर्स को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। सारे बच्चों को इन खुशियां दीजिए, माँ को सपोर्ट करिए। ऑल आर नंबर्स एंड डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन ऑल आर सोशल हैंडल्स। वी आर रेजिंग फंड्स फॉर चिल्ड्रन एट आजी का घर। प्लीज कॉल अस एंड फील फ्री टू डोनेट।